मुझे अंडर 10,000 रुपीज़ एक फ़ोन परचेस करना था। तो जब मैंने फ़ोन के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे फ़ोन, लगभग 10 से 15 फ़ोन मिले और मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो गया कि कौन सा फ़ोन ख़रीदना है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाकर अपने साथ साथ आप लोगों का भी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि अगर आप अंडर 10,000 रुपीज़ कोई भी फ़ोन ख़रीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए कौन सा फ़ोन ख़रीदना वर्थ है और कौन सा फ़ोन ऐसा है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं या जिन्हें आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्रॉनिकल। मैं हूं पुष्पेंद्र और चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। जब मैंने खुद के लिए फ़ोन देखने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे फ़ोन मिले। तो अगर मैं उनमें से कुछ फ़ोन्स की बात करूं तो उनमें से रियलमी के C11, C12, C15, Narzo 10A, Narzo 20A, Narzo 20, देन रेडमी का 9A, 9A प्राइम, और अगर दूसरे फ़ोन्स की बात करूं तो मोटोरोला की तरफ से आने वाला E7 प्लस, सैमसंग की तरफ से आने वाला M01, M01S, M01 कोर, और फिर अगर दूसरे ब्रांड्स की बात करें तो इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला Hot 9, Hot 10 एंड बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स थे। तो मुझे खुद ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। तो ये सारे फ़ोन्स हैं अंडर 10,000 रुपीज़ जो आपको देखने को मिलते हैं, और अगर आप इन्हें ध्यान से इनके कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे तो लगभग एक जैसे ही कॉन्फ़िगरेशंस हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा ही चेंज किया गया है इन फ़ोन्स के बारे में। चलिए मैं एक एक करके आपको फ़ोन्स बताता हूँ कि एक्चुअली मैं इस वीडियो में आपको राउंड अप करके ही वैल्यूज़ बताऊँगा। मैं आपको 7,499 नहीं बोलने वाला हूँ, मैं इसे डायरेक्ट 7,500 रुपीज़ बोलूँगा, तो आप प्लीज़ उसे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो चलिए आप बात करते हैं रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी C11। यह फ़ोन आपको 7,500 रुपीज़ का देखने को मिलता है, और इस प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन आपको वर्थ है। क्यों? क्योंकि आपको इसे मीडियाटेक का G35 मिल जाता है, आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, आपको पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। अगर स्क्रीन की बात करें तो आपको 6.5 इंच HD+ स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से यह फ़ोन काफ़ी अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं आपको इस फ़ोन में क्या नहीं मिलता है। तो आपको इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप 7,000 के आसपास कोई फ़ोन तलाश कर रहे हैं तो यह फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है, और आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं। अपने अगले फ़ोन की बात करें तो यह भी रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी C12। यह फ़ोन आपको 8,500 रुपीज़ का देखने को मिलता है। यह फ़ोन लगभग सेम है C11 की तरह। अगर इसमें किसी चीज़ का डिफरेंस है तो वो है इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐड कर दिया गया है, और इसमें आपकी जो बैटरी की साइज़ है उसे 5000mAh से बढ़ाकर 6000mAh कर दिया गया है। तो क्या 8500 के बजट में आपके पास यही एक ऑप्शन है या इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी है? तो आपको 8500 में मैं इसकी जगह आपको नार्जो का 20A फ़ोन रिकमेंड करूँगा। तो आप C12 को छोड़कर Narzo 20A ले लीजिए। उसका रीज़न है कि उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है, और एक्चुअली अगर आप दोनों प्रोसेसर कंपेयर करेंगे तो स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर मिलता है, वो G35 से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी बैटरी एफिशिएंट भी है। तो आपको उसमें बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, प्लस स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होने के कारण आपको उसमें जो कैमरा क्वालिटी है, जो पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, वो भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। अगर हम अपनी लिस्ट में आने वाला अगले फ़ोन की बात करें तो वो है रियलमी की तरफ से ही आने वाला अगेंस्ट C15। अब यह फ़ोन आपको 10,000 रुपीज़ के प्राइस में देखने को मिलता है। यह फ़ोन भी सेम C12 है, इसमें आपको एक और कैमरा ऐड कर दिया गया है, और इसमें आपका जो प्रोसेसर है वो भी आपका G35 ही है। तो चलिए पहले इस फ़ोन के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो आपको इस फ़ोन में 3GB, 32GB, 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले, 13+8+2+2 का कैमरा, और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। आपको इस फ़ोन में 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और मीडियाटेक का G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब अगर इसी प्राइस सेगमेंट में मैं रियलमी की तरफ से आने वाले दूसरे फ़ोन की बात करूं, जो कि है Narzo 20, तो वो फ़ोन आपको 10,500 रुपीज़ के प्राइस में देखने को मिलता है, जो कि इससे केवल 500 रुपीज़ ज़्यादा है। लेकिन अगर उस फ़ोन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आपको उस फ़ोन का जो बेस वेरिएंट है वो 4GB रैम प्लस 64GB रोम के साथ देखने को मिलता है, 6.5 HD+ डिस्प्ले, और आपका जो प्राइमरी रियर कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, ना कि 13 और 12 मेगापिक्सल का। तो आपको पीछे की तरफ ट्रिपल रियर
कैमरा देखने को मिलता है 48 8+2 और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। आपको इसमें भी 6000 एमएएच की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन आपको इसमें मीडियाटेक की तरफ से आने वाला ही G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रियलमी C15 छोड़कर आप नार्जो 20 फोन को बाई करें, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन। हमारी लिस्ट में आने वाला अगला फ़ोन मोटोरोला की तरफ से आने वाला E7 प्लस। अब किन लोगों को इस फ़ोन को परचेज करना चाहिए? इस फ़ोन की दो USP है। पहला, इसका रियर कैमरा जो कि 48 मेगापिक्सल का है, और दूसरा, इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है। तो अगर आप एड फ्री एक्सपीरियंस चाहते हैं तब आप इस फ़ोन को परचेज़ करिए, यह फ़ोन आपके लिए फिर काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर इस फ़ोन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको 4GB 64GB 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले 48+2 रियर में और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, 5000 एमएएच बैटरी और आपको स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब अगर इस फ़ोन के प्राइस की बात करें तो आपको यह फ़ोन 9500 रुपीज़ का देखने को मिलता है। हमारी लिस्ट में आने वाला अगला फ़ोन रियलमी की तरफ से आने वाला अगेन नार्जो 10A। यह फ़ोन आपको 9000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट के साथ देखने को मिलता है। अगर इस फ़ोन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको 3GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी, 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले, 5000 एमएएच बैटरी, मीडियाटेक की तरफ से आने वाला G70 प्रोसेसर और आपको इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 12+2+2 एंड फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। तो आप इस फ़ोन को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आप अंडर 10,000 रुपीज़ एक ऐसा फ़ोन तलाश कर रहे हैं जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकें, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं, आपको इस फ़ोन से निराशा नहीं होगी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले फ़ोन की तरफ। तो अगर आप अंडर 10,000 रुपीज़ सैमसंग का कोई फ़ोन तलाश कर रहे हैं तो यह फ़ोन आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, सैमसंग की तरफ से आने वाला M01। इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ में आपको 4000 एमएएच की बैटरी, 13+2 रियर में, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, 3GB 32GB के बेस वेरिएंट के साथ 5.7 इंच HD+ डिस्प्ले के साथ यह फ़ोन आता है। चलिए अब बात करते हैं एक अलग ब्रांड की जो कि है इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स की तरफ से आपको एक्चुअली इसमें दो फ़ोन देखने को मिलते हैं, एक Hot 9, दूसरा Hot 10। अगर मैं इन्फिनिक्स Hot 9 के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो 4GB 64GB 6.6 इंच HD+ डिस्प्ले, 13+2+2 फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 एमएएच की बैटरी और हीलियो P22 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब अगर इस फ़ोन के प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 9500 रुपीज़ है और 9500 रुपीज़ में आपको इससे अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हीलियो का जो P22 प्रोसेसर है ये कोई बहुत अच्छा प्रोसेसर नहीं है, तो आप इस फ़ोन को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए अब देखते हैं इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले अगले फ़ोन के बारे में जो कि है Hot 10। Hot 10 आपको 6GB 128GB के साथ आता है। इसमें आपको 6.78 इंच की HD+ डिस्प्ले, 5200 mAh की बैटरी, रियर में आपको 13+2+2 फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। अगर इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको G70 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि मीडियाटेक की तरफ से आने वाला एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो अगर आप इन्फिनिक्स का कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो आप इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब सम अप करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से फ़ोन इग्नोर करने हैं। तो रियलमी की तरफ से आने वाला C12, C15, आप इन दोनों फ़ोन को अवॉइड करें और इनकी जगह आप नार्जो सीरीज़, नार्जो 20A और नार्जो 20 को प्रेफर करें, वो इनसे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर इन्फिनिक्स की बात करें तो आपको इन्फिनिक्स में इन्फिनिक्स Hot 9 को अवॉइड करना है, इन्फिनिक्स Hot 10 आप प्रेफर कर सकते हैं, वो एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर दूसरे फ़ोन्स की बात करें तो सैमसंग की तरफ से आने वाला केवल M01 आप कंसीडर कर सकते हैं, और अगर आपके पास बहुत ही थोड़ा बजट है, आप 5000 के आसपास का अगर सैमसंग का कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो आप सैमसंग का M01 कोर भी देख सकते हैं। इस फ़ोन की बैटरी केवल 3000 एमएएच है और प्रोसेसर इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो यह भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा अपने बजट को स्ट्रेच करके आप रियलमी का C11 पर जाएं, वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है कंपेयर टू सैमसंग M01 कोर के। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी हो चुकी होगी कि आपको कौन से फ़ोन अवॉइड करने हैं और कौन से फ़ोन लेने हैं। अगर आपको इस तरह की टेक वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करें। फिर मिलते हैं अगले किसी टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।